स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग बेटा. वेलकम टू द ऑनलाइन क्लासेस ऑफ आरसी एजुकेशन हब बांसो. क्लास 9th, चैप्टर नंबर 1, मैटर इन आवर सराउंडिंग. ओके बेटा, सो बिफोर दैट वी विल डिस्कस इन 3 वीडियोस अबाउट द नेचर ऑफ द पार्टिकल, देयर कैरेक्टरिस्टिक्स, अबाउट द मैटर. ओके, हमने पढ़ा था मैटर क्या होती है, विच हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस. उसके बाद हमने डिस्कस किया जो मैटर है, देयर कंसिस्ट ऑफ पार्टिकल्स, और पार्टिकल्स के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती है. फॉर एग्जांपल, पार्टिकल्स हैविंग स्पेस इन बिटवीन देम, पार्टिकल्स ऑफ द मैटर कैन मूविंग कंटीन्यूअसली एंड दे अट्रैक्ट ईच अदर. ओके, आज हम डिस्कस करेंगे बेटा अबाउट वन इम्पॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज नोन एज इवेपोरेशन. ओके, इवेपोरेशन हमने इससे पहले भी डिस्कस किया है. जैसे हमारी बॉडी से अगर समर में स्वेटिंग होती है, दैट इज ड्यू टू इवेपोरेशन. इज दैट क्लियर? और इवेपोरेशन से क्या होता है, उसके बाद हमारी बॉडी जो है वो कूल डाउन हो जाती है. ठीक है, तो चलिए डिस्कस करते हैं व्हाट इज इवेपोरेशन. सो द फिनोमेना बाय विच मॉलिक्यूल्स इन लिक्विड स्टेट, ध्यान रखेंगे आप, इट इज द फिनोमेना, एक ऐसा प्रोसेस, एक ऐसा तरीका है जिसमें होता क्या है, मॉलिक्यूल्स इन लिक्विड स्टेट undergo a spontaneous transition it means changing to the gaseous stage. Okay, at any temperature below its boiling point, यानी किसी भी टेम्परेचर पे जब लिक्विड स्टेट के मॉलिक्यूल्स अपने सराउंडिंग से एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं और एनर्जी एब्जॉर्ब करके वो गैसियस फेज में कन्वर्ट हो जाते हैं, दैट इज नोन एज इवेपोरेशन. एक हल्का सा एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ. आपने देखा है कि आप खुद ये एक्टिविटी कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, आपको एक प्लेट लेनी है, ठीक है, और इस प्लेट में आप वाटर रखिए. इस प्लेट को ले जाके आप सनलाइट में रख दीजिए. जब आप सनलाइट में रखेंगे तो ये लिक्विड पार्टिकल्स अपने सराउंडिंग की या जो सन का टेम्परेचर उसको एब्जॉर्ब करेंगे. जैसे ही उसको एब्जॉर्ब करेंगे तो ये क्या करेंगे, ये गैसेस फेज में कन्वर्ट हो जाएंगे. ठीक है, गैसेस फेज में कन्वर्ट हो जाएंगे और इसी प्रोसेस को हम कहते हैं इवेपोरेशन. आप इस प्रोसेस में देखेंगे कि कुछ टाइम के बाद जितना लिक्विड आपने इस प्लेट में डाला था, फॉर एग्जांपल आपने 2 ml या व्हाटएवर, तो आप देखेंगे लिक्विड का अमाउंट क्या हो गया, वहां पर डिक्रीज हो गया है. ओके, तो ये होता है इवेपोरेशन. इसको वापस समझना फिनोमिना को, साथ में इसकी डेफिनेशन आपको लर्न भी हो जानी चाहिए. द फिनोमिना इन बाय विच, एक ऐसा फिनोमेना बाय विच मॉलिक्यूल्स इन लिक्विड स्टेट, ठीक है, कौन से स्टेट में मॉलिक्यूल्स है, लिक्विड स्टेट में. यानी इवेपोरेशन आपसे पूछा जाए कि इवेपोरेशन कौन से स्टेट के मॉलिक्यूल करेंगे, तो जब मॉलिक्यूल लिक्विड स्टेट में होंगे तो ही वो इवेपोरेशन करेंगे. एंड दे अंडरगो ए स्पॉन्टेनियस ट्रांजिशन. स्पॉन्टेनियस होता है इटसेल्फ, ठीक है, मतलब आप लोगों को कुछ करने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप अपने सराउंडिंग से हीट एब्जॉर्ब करेंगे. हीट एब्जॉर्ब करके वो गैसेस फेज में ट्रांजिट हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे. किस टेम्परेचर पे, किसी भी टेम्परेचर पे, बट वो टेम्परेचर कितना हो जाएगा, बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट. देखिए, बॉइलिंग पॉइंट तो क्या होता है, फॉर एग्जांपल वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है 100 डिग्री सेल्सियस. जब वाटर बॉइल करेगा तो वो स्टीम में, वेपर में चेंज हो जाएगा, अंडरस्टैंड. लेकिन ये किसी भी टेम्परेचर पे हो सकता है, भाई बॉइलिंग पॉइंट पे तो होगा ही होगा, अंडरस्टैंड ऑन ऑल, भाई बॉइलिंग पॉइंट पे तो होगा, बट उसको हम क्या बोलते हैं कि जो लिक्विड है वो क्या कर रहा है, बॉइल कर रहा है. हम ये नहीं करेंगे, वो ही ऑपरेट कर रहा है. तो ये ऑपरेशन क्या होता है, किसी भी टेम्परेचर पे हो सकता है, उसके बॉइलिंग पॉइंट के नीचे, क्योंकि उसके बाद तो वो बॉइल करना स्टार्ट कर देता है. चलिए, सेकेंड हमारा फैक्टर्स अफेक्टिंग ये ऑपरेशन. कौन से फैक्टर्स हैं जो ये ऑपरेशन को अफेक्ट करते हैं? पहला है टेम्परेचर, दूसरा है सरफेस एरिया, तीसरा है ह्यूमिडिटी, फोर्थ है विंड स्पीड. बात आती है टेम्परेचर की, तो फॉर एग्जाम्पल देखिए, समर और विंटर के दो कंडीशन आप लेके चलिए. आपको पता है समर में टेम्परेचर क्या होता है, हाई होता है, जबकि विंटर में टेम्परेचर लो होता है, अंडरस्टैंड. आपने समर में अपने क्लोथ वॉश किए और वॉश करके आपने जैसे ही उनको टंगा दिया, ठीक है, जैसे ही आप उनको टंगाएंगे, कोई भी क्लोथ है आपके, ठीक है, आपने इन क्लोथ को टंगा दिया, तो आप क्या देखेंगे कि कुछ टाइम के बाद ये क्लोथ क्या होते हैं, ड्राई अप हो जाते हैं. क्यों? क्योंकि इसमें टेम्परेचर ज्यादा है. टेम्परेचर ज्यादा होने से वाटर क्या हो गया, इवेपोरेट हो गया. यानी लिक्विड फेज में वो किस फेज में चेंज हो गया, गैसेस फेज में चेंज हो गया. गैसेस फेज में जब वाटर चेंज हो गया तो जो क्लोथ का वाटर है वो रिलीज हो गया और क्लोथ जल्दी ड्राई अप हो गया. जबकि विंटर में क्या होता है, टेम्परेचर होता है कम, ठीक है, कम टेम्परेचर होता है तो क्या होगा, इसका जो वाटर है वो जल्दी से इवेपोरेट नहीं होता, इसलिए कपड़ों को सूखने में टाइम लगता है. दूसरी बात है सरफेस एरिया. सरफेस एरिया का मतलब क्या है, टोटल एरिया विच कम इन टू द कॉन्टेक्ट फॉर इवेपोरेशन. कहने का मतलब ये है समझिए,
एक कपड़ा है, कोई आपने वो कपड़ा वॉश किया और आपने उसको ऐसे गोल गोल करके रख दिया, ये क्लॉथ है, ठीक है। दूसरा आपने क्या किया, इसी क्लॉथ को आपने स्प्रेड कर दिया, ठीक है, आपने स्प्रेड कर दिया, यानी कुल मिला के आपने किया क्या, आपने इसका सरफेस एरिया इंक्रीज कर दिया। सरफेस एरिया क्या कर दिया आपने, इंक्रीज कर दिया। और जैसे आप सरफेस एरिया इंक्रीज करोगे तो आपको पता है ये वाला जो क्लॉथ है वो जल्दी ड्राई जब होगा, बल्कि ये जो क्लॉथ है हो सकता है इसके आउटर सरफेस ड्राई जब हो जाए, लेकिन जैसे आप इसको ओपन करेंगे तो आपको पता लगेगा कि अंदर का जो सरफेस है वो अभी ड्राई जब नहीं हुआ है। तो यानी टेम्परेचर इंक्रीज होने के साथ ही ऑपरेशन क्या होगा, इंक्रीज होगा। सरफेस एरिया इंक्रीज होने के साथ क्या होगा, ये ऑपरेशन इंक्रीज होगा। नेक्स्ट है ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी क्या होता है, इसको हिंदी में बोलते हैं आर्द्रता, ठीक है, या इसको आप डेफिनेशन लिख सकते हैं आर्द्रता की बजाय द मॉइस्चर कंटेंट ऑफ द एयर, मॉइस्चर कंटेंट ऑफ द एयर। मॉइस्चर का मतलब वही होती है नमी, आर्द्रता, ठीक है, यानी जो वाटर कंटेंट एयर के अंदर प्रेजेंट होता है उसको हम क्या कहते हैं, ह्यूमिडिटी। अब सिंपल सी बात है, फॉर एग्जांपल देखिए आपने दो कंडीशन देखे हैं, एक तो आपने कोई क्लोथ समर में वॉश किए तो समर में जल्दी ड्राई अप हो जाते हैं, इन्हीं क्लोथ को अगर आप रेनी सीजन में वॉश करते हैं, रेनी सीजन में इट टेक्स टाइम, क्यों, क्योंकि समर में आपको पता है जो एयर होती है वो ड्राई होती है, सूखी होती है, जिससे वो ज्यादा से ज्यादा मॉइस्चर को कंटेंट को ले सकती है। जबकि रेनी सीजन की अगर बात करें तो एयर में ऑलरेडी मॉइस्चर बहुत होता है, एयर कैसे हो जाती है, वेट हो जाती है, क्योंकि बारिश की वजह से क्या होता है, एयर में जो नमी है आर्द्रता है वो ज्यादा हो जाती है। अब जब एयर ऑलरेडी फुल है उसके अंदर ऑलरेडी बहुत सारा मॉइस्चर है तो वो ज्यादा और मॉइस्चर ले नहीं सकती, इसलिए कपड़ों को सूखने में टाइम लग जाता है, क्लियर है। अब समर में क्या होता है, मॉइस्चर कंटेंट एयर में ना के बराबर होता है, तो उसमें जो क्लॉथ के अंदर वाटर होता है उसको वो फटाफट गेन कर लेती है, जिससे कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। तो यहाँ पे कंक्लूजन क्या निकला, जब एयर में ह्यूमिडिटी ज्यादा है तो रेट ऑफ इवेपोरेशन डिक्रीज हो जाएगी, क्लियर है। जब ह्यूमिडिटी ज्यादा है यानी ऑलरेडी आपका फुल है तो आप खाना नहीं खाएंगे या कम खाएंगे, वी कैन से दैट, और अगर आपको भूख लगी तो आप खाना खाएंगे। तो सिंपल सी बात है कि एयर के पास जब मॉइस्चर कंटेंट है ही नहीं, एयर पूरी तरह से कैसी है, ड्राई है, ड्राई एयर, तो वो मॉइस्चर कंटेंट को जल्दी गेन करेगी, जैसा कि समर में होता है। लेकिन अगर ऑलरेडी एयर के अंदर ह्यूमिडिटी है, उसके अंदर वाटर ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो वो क्या करेगी, अब वो और ज्यादा पानी को कम से कम लेगी, इसलिए ह्यूमिडिटी अगर ज्यादा होगी तो एयर के जो इवेपोरेशन की रेट है वो डिक्रीज हो जाएगी। फोर्थ है विंड स्पीड। अब विंड स्पीड भी सेम होती है कि अगर विंड स्पीड ज्यादा होगी, विंड ज्यादा फास्ट स्पीड के साथ फ्लो कर रही है तो क्या होगा, फ्लो कर रही है तो क्या होगा, कपड़े जल्दी सूख जाएंगे, और अगर विंड की स्पीड कम है तो कपड़े लेट सूखेंगे। तो विंड स्पीड से भी क्या होता है, इवेपोरेशन इंक्रीज होता है, सरफेस एरिया इंक्रीज होने से भी इवेपोरेशन इंक्रीज होता है, टेम्परेचर इंक्रीज होने से भी इवेपोरेशन इंक्रीज होता है, बट ह्यूमिडिटी इंक्रीज होने से इवेपोरेशन की रेट डिक्रीज हो जाती है। लास्ट और फाइनल हमारा टॉपिक है इस वीडियो का, कूलिंग इफेक्ट ऑफ इवेपोरेशन। अब आपको सिंपल सा पता है कि गर्मियों में क्या होता है, जब स्वेटिंग या परसिपिटेशन होती है, हमारी बॉडी से जो पसीने बाहर आते हैं, तो पसीने बाहर आने से होता क्या है, पसीने जब बाहर आते हैं हमारी बॉडी से तो उससे होता ये है कि हमारी बॉडी कुछ टाइम के बाद ठंडी हो जाती है। ऐसा क्यों होता है, तो आप प्रोसेस समझ नहीं हो इवेपोरेशन का। मैंने आपको अभी बताया था कि जो लिक्विड पार्टिकल्स है, मैंने यहाँ पे भी आपको एग्जाम्पल दिया था, इसको दोबारा से समझ रहे इसको, ठीक है, एक बार दोबारा समझना आप इसको। भाई फॉर एग्जाम्पल आपके पास कोई कंटेनर है, ठीक है, इसमें आपके पास वाटर के ड्रॉपलेट्स हैं, तो जब भी इवेपोरेशन का प्रोसेस होगा आपको पता है जो लिक्विड मॉलिक्यूल्स हैं वो किसमें कन्वर्ट होंगे, गैस में, ठीक है। लेकिन वो गैसियस स्टेट में कन्वर्ट कैसे होंगे, तो वो ऐसे कन्वर्ट होंगे कि वो अपने सराउंडिंग की जितनी भी हीट है, ठीक है, उसको क्या कर लेंगे, एब्जॉर्ब कर लेंगे, इसको एब्जॉर्ब कर लेंगे हीट को, और हीट को एब्जॉर्ब करने के बाद वो क्या हो जाते हैं, इवेपोरेट हो जाते हैं, ठीक है। इसका एक सिंपल सा एग्जांपल आप देखना, आपने मटका देखा होगा, ठीक है, जो मिट्टी के मटके होते हैं अर्धन पोट, अंडरस्टैंड, घर पे मान लीजिए मम्मी ने वो पोट अभी फिल करके रखा है थोड़ी देर पहले, आप देखोगे कि जैसे आपने पोट को फिल करके रखा है उसके बाद कुछ टाइम के बाद वो पूरा जो पोट है वो वेट हो जाता है बाहर से, ठीक है, क्या हो जाता है, वेट हो जाता है। जनरली होता क्या है, देखिए होता ये है कि जो लिक्विड ड्रॉपलेट्स हैं इसके अंदर, जो वाटर है इसके अंदर, वो अपने सराउंडिंग की एनर्जी को गेन करता है, इसको गेन करता है हीट को, अपने सराउंडिंग की हीट को वो गेन करता है, उस हीट को लेके वो जो वाटर ड्रॉपलेट्स हैं वो इवेपोरेट हो जाते हैं, गैसेस फेज में चेंज हो जाते हैं,
अब जो वो अपने सराउंडिंग की हीट को ले रहा है तो सिंपल सी बात है इसके जो सराउंडिंग का एरिया वो कैसा हो जाएगा, कूल। इज दैट क्लियर और नॉट? ठंडा हो जाता है। तो यानी इवेपोरेशन एक कूलिंग इफेक्ट प्रोवाइड करता है। हमारी बॉडी से भी जो पसीने आते हैं हमारे, फॉर एग्जाम्पल ये एक पर्सन है ओके, और गर्मी में इसके बहुत सी स्वेटिंग हो रही है। अब स्वेटिंग में होता क्या है, जितने भी सराउंडिंग की हीट है उसको एब्जॉर्ब करता है, हीट को एब्जॉर्ब करके ये वाटर ड्रॉपलेट्स तो क्या हो जाते हैं, गैसेस फॉर्म में चेंज हो जाती है, ठीक है, यानी इवेपोरेट होगी। लेकिन हमारे सराउंडिंग की जो एरिया है वो कैसा हो गया, कूल हो गया, जिससे हमारी बॉडी कैसे होगी, ठंडी होगी। सेम चीज आप देख सकते हैं, आपने एसीटोन देखा होगा, नेल पेंट रिमूवर जो घरों पे मम्मा रखती होंगी, तो अगर आप एसीटोन की एक ड्रॉप अपनी पाम पे रखेंगे तो कुछ टाइम के बाद आप देखेंगे आपकी जो पाम है वो एकदम ठंडी हो जाती है, कूल डाउन हो जाती है। सेम चीज होता है, जो एसीटोन की ड्रॉपलेट्स है वो क्या करेंगे, आपकी हथेली की जो हीट है उसको एब्जॉर्ब करेंगे, खुद इवेपोरेट हो जाएंगे और आपकी हथेली एकदम से कूल डाउन हो जाएगी। तो कुल मिला के ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि इससे रिलेटेड बहुत से क्वेश्चंस आपके एक्सरसाइज में पूछे गए हैं। और देखिए कंसेप्ट आपको क्लियर बेटा अभी से करने पड़ेंगे। तो इवेपोरेशन क्या करता है, कूलिंग इफेक्ट प्रोवाइड करता है, ठीक है, कूलिंग इफेक्ट प्रोवाइड करता है। तो ये था आज के बारे में इवेपोरेशन। आई होप आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा, नोट्स आप प्रॉपरली यहीं से बना लेंगे। इसके वीडियो को ढंग से समझना है, एक बार नहीं समझ में आता तो आप दोबारा से वीडियो को चला के देखें। ओके, हैव अ गुड डे।